मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इजी एंड क्विक बनने वाली रेमेडी। जी हाँ, ये रेमेडी जो है ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा, घना, मुलायम और काला बनाने वाली है। ठीक है, पहले हम इस रेसिपी को देख लेते हैं, फिर मैं आपको फ़ायदे बताऊंगी। मैंने एक भगोना लिया है एंड उसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अब मैं ले रही हूँ फेनुग्रीक सीड यानी कि दाना मेथी। ठीक है, ये जो दाना मेथी होती है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आपके बालों के लिए अमेजिंग वर्क करती है। क्या काम करती है, इसमें क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगी। मैंने 2 चम्मच दाना मेथी के लेकर पानी के अंदर डाल दिए हैं और 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली है यानी अनियन सीड। ठीक है, वो मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई डोंट नो क्या हुआ था, तो मैंने ये 2 चीज़ें डाली है। एंड जो 3rd इन्ग्रीडियंट है वो मैं ले रही हूँ भृंगराज। भृंगराज का यहाँ पर 1 टीस्पून लेकर और पानी में मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये 3 इन्ग्रीडियंट बस मैंने पानी में डाले हैं और कम से कम 10 मिनट तक आपको इसको बॉईल कर लेना है धीमी आंच पर। ठीक है, 10 मिनट बॉईल होने के बाद में हम क्या करेंगे इसका, वो मैं आपको आगे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों के फ़ायदे बताऊँगी, इन तीनों में क्या होता है। देखो, आप लोग है ना गाइज, कुछ भी चीज़ अपने बालों पर लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे हम हमारी बॉडी के लिए कुछ भी खाते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, हमारे लिए सही है या नहीं है। उसी तरह हमें हमारे बालों के लिए भी ये चीज़ें देखनी है कि क्या ये हमारे बालों के लिए सही है या नहीं है। बस ऐसा ही नहीं है कि जिसने किसी ने बोला और उठाकर लगा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत ही ट्रू, मतलब जो सच्चाई है ना, वो बताऊंगी आपको अभी थोड़ी सी देर में। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहना, जाना मत, मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगी अभी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। फर्स्ट मैंने इसमें डाला था मेथी दाना। ठीक है, अब आपको पता है मेथी दाना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो इसमें प्रोटीन होता है। तो आप सोचिए कि जब आपके बालों को प्रोटीन चाहिए और यहाँ पर हमने जब मेथी दाना डाला है तो आपके बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट उसे मिल गया है जो कि बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने का काम करेगा। आपकी स्कैल्प है ना, उस पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से करेगा जिससे बालों की हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और हेयर इम्यूनिटी है उसको काफ़ी बूस्ट करेगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी के डल हेयर हैं, फ्रेजी है ना, उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। बालों की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी कर देता है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और भी क्या होता है, प्रोटीन के अलावा निकोटिनिक एसिड भी होता है। ठीक है, जो कि आपके ब्रेकेज हो रखे बालों को भी अच्छा करता है, रिपेयर करता है। एंड सेकंड हमने इसमें कलौंजी डाली थी। जो कलौंजी है ना गाइस, वो बहुत अच्छी होती है, आपके बालों को काला बनाती है, नए बाल उगाने में मदद करती है और बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बना देती है। ठीक है, थर्ड हमने क्या लिया था गाइस, हमने लिया था भृंगराज। भृंगराज एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है एंड ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आता है। अगर आपको बाल्डनेस की शिकायत है ना, टकलापन आ गया है, तो भी आप इसे लगाएंगे तो आपके नए नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो बहुत अच्छा है भृंगराज। ये मैंने इंग्रेडिएंट इसमें 3 डाले और तीनों के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। 10 मिनट होने के बाद में इसे स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और जो पीछे का बचा है ना, इसे फेंकना नहीं है, इसे हम एक अच्छा वाला पैक बनाने में काम में लेंगे। ठीक है, वो कौन सा पैक है शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में या 1-2 दिन बाद की वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए अभी हम बस यहाँ पर ये हमने वाटर जो लिया है ना गाइस, इसमें अब हमें क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जैसे ही आपका ठंडा हो जाएगा, मेरा यहाँ पर है, ये मैंने रख दिया था और ये काफ़ी ठंडा हो चुका था, मतलब रूम टेम्परेचर पर आ गया था। अब मैं जो यहाँ पर गाइस इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि है आंवला। अब देखिए, आंवला जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आंवला में भी भरपूर मात्रा में अगर मैं बोलूँ तो विटामिन सी होता है और प्रोटीन होता है और दोनों ही आपके बालों के लिए अमेजिंग वर्क करते हैं। ये आपके बालों को नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं, आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना देते हैं, हेयर फॉल को कम करता है, डैंड्रफ को हटाता है और बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आप लोगों को आंवला बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसमें आंवला जो आता है ना, आंवला कैंडी आती है, आप उसे खा भी सकते हो और बाकी आप ये आंवला जो हम है ये लगा भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ जो कि है
लेवेंडर। लेवेंडर एसेंशियल और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बालों को थिकनेस देता है, शाइनी बनाता है और जल्दी जल्दी लंबा करने का काम करता है। स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ हो सके। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट के मैंने फ़ायदे बता दिए और ये फ़ायदे आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता, बस आप कोई आपको बोल रहा है और आप लगाए जा रहे हो। नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में क्या है, हमारी स्कैल्प को, हमारे हेयर को क्या चाहिए जिससे हमारी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, अभी मैं इसको करूँगी क्या वो मैं पहले वो बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। अभी देखिए, ये जो वाटर है, इस वाटर को आपको थोड़ा सा साइड में निकाल लेना है, यानी आप यहाँ पर देख रहे हो बस इतना सा मैंने, यानी आधा कप के करीब मैंने एक साइड में निकाल दिया। इसका क्या करूँगी आगे बताऊँगी, पहले जो ये वाला वाटर है इसको आपको लेना है। ठीक है, अब आपको अपने हेयर को पूरे ओपन कर लीजिए, अगर आपकी ब्रेड बनी है तो खोल लीजिए एंड बन बना है तो इसे ओपन कर लीजिए। इस वाटर को, जो हमने ये वाटर बनाया ना, ये फेनुग्रिक वाटर है, यानी कि मैं इसको फेनुग्रिक हेयर वॉश बोलूँगी। ये मैंने अपना नाम रख दिया है इसका, इस रेमेडी का, कि फेनुग्रिक हेयर वॉश। ठीक है, ये फेनुग्रिक हेयर वॉश आपके बालों में बहुत अमेजिंग रिजल्ट लेकर आएगा गाइज, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आपको क्या करना है, अपने पूरे स्कैल्प पर इस वाटर को लगाना है, लेकिन उससे पहले बालों को आपको इस तरह से करना है जैसे कि मैं कैसे दिख रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही आगे की साइड में बालों को पूरा खोल लें और आपको एक मिनट अपने बालों पर मसाज करनी है, ड्राई मसाज करनी है, जिससे आपके जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाएंगे एंड ब्लड सर्कुलेशन है ना वो तेज हो जाएगा चलना। अब हम जो हमने ये बनाया है ये हेयर वॉश, फेनुग्रिक हेयर वॉश, इसको आपको क्या करना है, पूरे बालों पर अच्छे से लगाना है, स्कैल्प के ऊपर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी लेंथ तक आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि फर्श पर, जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है इसको, आप नीचे बकेट भी रख सकते हो ताकि वेस्ट ना हो। तो इसको पूरी स्कैल्प के ऊपर डाल लीजिए, अपने पूरी लेंथ पर डाल लीजिए और फिर आपको कम से कम 3 से 4 मिनट मसाज कर देना है ताकि वो पूरा अंदर स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, पूरा अंदर चला जाए। उसके बाद में आपको बन बनाकर छोड़ देना है, ये आपको 1 घंटे के लिए छोड़ना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया मेथड। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद में क्या करना है आपको, जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था ना ये पानी, है ना, फेनुग्रिक हेयर वॉश को थोड़ा सा मैंने बचाया था स्टार्टिंग में ना, उसको लेना है एंड उसमें आपको शैम्पू ऐड करना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो वो। अभी रिसेंटली जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ नेचर श्योर का जोंग शैम्पू। गाइज इसका आपको, आप लोग बार बार पूछ रहे हो ना कि शैम्पू आप बताइए जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आप सबसे पहले शैम्पू के इन्ग्रीडियंट देखो, मैं हमेशा शैम्पू जब लेती हूँ ना तो मैं इन्ग्रीडियंट ज़रूर देखती हूँ। इसमें देखो एलोवेरा है, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी, नीम शैम्पू का बेस है। बस ये सारे इंग्रेडिएंट जो हम हमारी DIY में यूज़ करते हैं वही सारे इंग्रेडिएंट इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, तो सोचिए ये शैम्पू कितना अच्छा वर्क करेगा। और ये शैम्पू अभी रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे 4 से 5 बार अपने हेयर वॉश कर लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप इसे इस शैम्पू को लगाओगे तो। ठीक है, एंड इसमें सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, 100% नेचुरल है ये और जोंग शैम्पू है ये। आपको पता है जोंग किसे बोलते हैं, लीच जो होता है ना, एक जानवर होता है, उसी से ये शैम्पू बनाया जाता है। ठीक है, एंड ये एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है एंड रिस्टोर शाइन लाकर देता है, 100% नेचुरल है ये। 300 ml का आपको बॉटल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 390 rupees में। एंड आपको जो मैं लिंक दूंगी ना, आप उस लिंक पर जाकर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसकी अगर मैं शेल्फ़ लाइफ की बात करूं तो 2020 से 22 तक, यानी 2 साल की आपको शेल्फ़ लाइफ मिल जाएगी। तो ये जो है शैम्पू, ये ऑसम है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि हमें ऐसा शैम्पू बताइए जो कि बहुत ही अच्छा हो और नेचुरल हो। तो ये नेचुरल शैम्पू है गाइज, आप नाम सुन सकते हैं इसका जो है नेचर श्योर का, बहुत ही मज़े का है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग ज़रूर बाय कर लेना अपने लिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा इस शैम्पू, ठीक है। अब आप, मैंने क्या किया, इस शैम्पू को मैंने इस वाटर में डाल दिया एंड इसे पूरा मिक्स करना है। जैसे कि हम जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आपको पता है वाटर के अंदर शैम्पू डाल के डाइल्यूटेड फॉर्म में करते हैं। डायरेक्ट शैम्पू को अगर सिर पर लगाएंगे आप तो ये एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है एंड जब हम हेयर वॉश करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो अच्छे से नहीं निकल पाता है एंड उससे आपको डैंड्रफ होने के चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा शैम्पू को जब यूज़ करते हैं तो हमेशा पानी के अंदर डालिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में करिए ताकि पूरी स्कैल्प पर वो स्प्रेड हो सके एंड फिर आपके इजीली आप जब हेयर वॉश करें तो वो निकल सके। एंड इस शैम्पू में बहुत अच्छा लेदर बनता है गाइज, बहुत ही अच्छा लेदर बनता है। आप थोड़ा सा शैम्पू लोगे ना, आपके पूरे बालों में इतना शानदार लेदर बनेगा और पूरा जितना भी ऑयल है, डर्ट है, गंदगी जमा हो गई है ना स्कैल्प पे, वो सब कुछ एक ही बार में निकल जाएगी। तो मैंने बस इस शैम्पू को लगाया, पूरा अच्छे से मसाज कर दी अपने, मसाज इन द सेंस स्कैल्प के ऊपर 2 मिनट तक शैम्पू को रखना है। कभी भी शैम्पू डालते ही और पानी नहीं डालना चाहिए। अगर उस शैम्पू का फ़ायदा चाहिए आपको सीरियसली में, तो कम से कम 2 मिनट आप अपने सिर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर उस शैम्पू को रहने दीजिए एंड मसाज करते रहिए ताकि आपके पोर्स के थ्रू वो भी अंदर जा सके और डीपली आपके गंदगी जो है उसे क्लीन कर सके, ओके। एंड उसके बाद में आप पानी से वॉश कर लीजिए। अभी मैंने सेकंड टाइम फिर से इसको लिया है, ठीक है, पूरा अच्छे से मुझे क्लीन करना था अपना तो स्कैल्प को और हेयर को, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और लिया है और पानी डालकर और अब मैं लगा रही हूँ इसको। और हमेशा याद रखिए आपको अपनी स्कैल्प के ऊपर ही शैम्पू लगाना है, लेंथ के ऊपर अलग से हाथ में लेकर नहीं लगाना है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो आपके बाल हैं ना इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर चला जाता है, यानी जो हमारा नेचुरल मॉइस्चर निकलता है ना बालों पर वो नहीं रह पाता और उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि हमारे बाल बहुत ड्राई, हम शैम्पू कर लेते हैं तो भी ड्राई, तो ड्राई तो होंगे ना यार। आप लोग अलग से शैम्पू को लेकर लेंथ पर लगा रहे हो, लेंथ पर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस स्कैल्प पर लगाएंगे, उसको नीचे नीचे करिए जैसे मैं कर रही हूं ना, वो पूरा आपकी लेंथ तक आ जाता है और फिर उसी से बस लेंथ को क्लीन करना है। आपको अपनी जो बालों की हेयर शाफ्ट होती है जिसे हम लेंथ बोलते हैं, उस हेयर शाफ्ट को शैम्पू से रगड़ना नहीं है, अदरवाइज आपको पता है आपके जो बाल है ना वो बहुत ड्राई हो जाएंगे क्योंकि आपका जो बालों का नेचुरल ऑयल था वो ही जा चुका है, तो फिर तो ड्राई होने हैं ना बाल। इसलिए आपको कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स को याद रखना पड़ेगा। मैं आपको हर वीडियो में इतनी अच्छी बातें बताती हूँ, इतनी मतलब चीज़ें बताती हूँ कि आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा, और जो लोग बता रहे हैं आपको कुछ भी वो बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं गाइस। मतलब सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी गलत चीज़ें कैसे फैल रही है यूट्यूब पे। आप लोग देखो हर वीडियो को देखते हो तो बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बता देती हूँ एक चीज़ का, जो मैं सच्चाई बोल रही हूँ ना। अब सुनिए, आपके एक महीने में सिर्फ आधा इंच बाल बढ़ता है, सिर्फ आधा इंच। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके 10 इंच बाल बढ़ जाएंगे, 20 इंच बढ़ जाएंगे या 30 इंच बाल बढ़ जाएंगे, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो गलत बता रहा है आपको, आपको वो गलत गाइड कर रहा है। अगर आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप सारे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, सारी ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी केयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम आपका 1 इंच बाल बढ़ सकता है एक महीने में, 1 इंच अगर सब कुछ करने के बाद। लेकिन अगर आप सब कुछ नहीं करके अब बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो आपका एक महीने में सिर्फ आधा इंच बाल बढ़ता है, आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और कोई बोल रहा है अगर आपको कि 10 इंच और 12 इंच बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जाओ कहीं पर भी, कहीं पर भी सर्च कर लो, किसी डॉक्टर से जाके पता कर लीजिए, जो कि हेयर से रिलेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट जो हम बोलते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे जाके पता कर लीजिए। साइंटिफिक आप कहीं पर भी कुछ भी कर लो, आप पता कर लो गाइस, आपको खुद को पता चल जाएगा सिर्फ आधा इंच बाल बढ़ता है। अगर कोई 10 इंच का या 15 इंच का दावा कर रहा है, इट मीन्स वो आपको गलत गाइड कर रहा है। मेरी हर वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ इतनी सही बताती हूँ, एक एक चीज़ आपको गाइड करती हूँ, जो चीज़ है वही बताती हूँ। तो आप लोग दूसरी मतलब गलत फहमी में किसी के मत आइए, आपको खुद को नॉलेज लेनी चाहिए, आप खुद स्टडी करिए, चीज़ों को पढ़ो, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमेशा याद रखिए आपका सिर्फ एक महीने में आधा इंच बाल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड यहां पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रही हूं, सब बता दिया है मैंने। एंड इसके अलावा आप देखिए मैंने पूरा अच्छे से बालों को वॉश किया और लेदर देखो कितना शानदार बना है ना, इतना।
और गाइज जो मैंने आपको बताई है ना, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, तो आप चलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप अपनी डाइट अच्छी मेंटेन कर लो, आप ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर दो और फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो, एंड जो जो हेयर पैक जेल वगैरह जो लगाने हैं आपको अपने हेयर के लिए, सब लगाना स्टार्ट कर लिए। और आप अपने बालों को पहले नाप लेना, ठीक है, पूरे बालों को नाप लेना, और एक महीने बाद फिर से नापना ये सब करने के बाद में, और मुझे बताना कि कितना इंच बाल बढ़ा है। आप की खुद की आंखें खुल जाएगी, ठीक है, आपका 10 इंच बढ़ता है या 20 इंच बढ़ता है, और अगर आपका सिर्फ 1 इंच बढ़ता है तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए चीज़ों को समझिए, हर मतलब बहकावे में मत आइए हर एक के, क्योंकि लोग व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी आकर बोल देते हैं। आप लोग देखो कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको सारी सच्चाई बताई है। अब आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी 100% सच्चाई बता दी है, अब आपको नहीं माननी है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यही सच्चाई है, फिर से मैं बोल रही हूँ। और बस आप लोग अपने बालों की केयर करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, और इस रेमेडी को बनाकर ज़रूर करना, बहुत ही औसम है, वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं।